अगर तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया है। रिलेशनशिप में आने के बाद हमारी उम्मीदें और हमारा भरोसा काफ़ी बढ़ जाता है हमारे पार्टनर के लिए। कई बार हमें डाउट भी होता है और कई बार हम उन पर अंधा विश्वास भी करते हैं। मुद्दे पे आते हैं, अगर एक रिश्ते में तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें चीट किया है और ये बात एक शक की तरह नहीं बल्कि साबित हो चुकी है कि हाँ उसने चीट किया है, तो ऐसे में दो चीज़ें होंगी। या तो वो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, या फिर आपसे सेकेंड चांस मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। अगर सिचुएशन पहली वाली है जहां वो ये बात भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, तो ऐसे में बिल्कुल भी देर मत करना उस इंसान से रिश्ता तोड़ने में। गुनाह भी करो और कबूल भी ना करो कि गुनाह किया है, और उसके बाद ऐसे दिखाओ कि तुम तो कुछ गलत कर नहीं सकते और हम गलत कर रहे हैं। ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो, भले ही कितनी ही मुश्किलें आए, आप डिजर्व नहीं करते एक ऐसा शख्स जो आपको धोखा देता है, और अपने आप को सेटल करने की कोशिश मत करना। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जहां पर एक शख्स आपसे माफी मांग रहा है, कह रहा है गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, उसे सुन के तुम्हारे मन और तुम्हारी सोच को बहुत चोट लगने वाली है, लेकिन सुन लेना, जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मत माफ करो, मत भूल करो ये सोचने की कि वो शख्स सुधर जाएगा, एक मौका मिलना चाहिए प्यार और रिश्ते के खातिर, वो सुधरेगा। तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दिल जरूर टूटेगा तुम्हारा, ये बात याद रखना। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, जिसकी नीयत एक बार खराब हो सकती है ना, माफी मिलने पर उसकी नीयत फिर खराब होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन्हें धोखा देने पर माफी मिलती है, वो कभी उस माफी की कदर नहीं करते और फिर कुछ वक्त बाद उस जगह नहीं तो किसी और जगह मुंह जरूर मारते हैं। और जिस रिश्ते और प्यार की फिक्र तुम्हें है, अगर उसे भी होती तो वो ऐसा क्यों करते? क्यों वो तुम्हें धोखा देते? क्यों वो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते? चोर की चोरी करने की चाहे कितनी भी अहम वजह हो, वो चोर ही रहता है, उसे माफी नहीं सजा ही मिलती है, याद रखना। तुम्हें लाख परेशानियों का सामना करना पड़े इस रिश्ते को खत्म करते समय और करने के बाद, कर लेना, मगर किसी भी हाल में अपनी जिंदगी के साथ, उस धोखेबाज इंसान के साथ रहने का समझौता मत करना। ये बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सच हैं। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। और हाँ, इस सब के बावजूद भी आप दोबारा मौका देना चाहते हैं उस शख्स के गुनाहों पर, उसे माफ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जिम्मेदार पूरे आप होंगे और अपने आप को आगे आने वाली हर सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। जाते जाते फिर भी कहूंगा, गलती होगी माफ कर देना।